यार बहुत जबरदस्त। आज अब मुझे पता चला इतने सारे व्यूअर्स क्यों इसकी रिक्वेस्ट कर रहे थे यार, इतने सारे। वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? और मेरा नाम है सुमान कुरैशी। वेलकम टू आवर चैनल। सो व्यूअर्स, बहुत दिनों से यार एक रिक्वेस्ट आ रही थी, फिर दो रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई, फिर इस तरह बहुत सारे रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई कि भाई आप लोग हैदराबाद सिटी का एक मेन स्पेस गच्ची बोली नाइट व्यू है कोई ना, मतलब न्यू स्काई वॉक है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। हैदराबाद गच्ची बोली, गच्ची बोली, गच्ची बोली, गच्ची बोली। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं गच्ची बौली है, गच्ची बौली है, आई हैव नो आईडिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गच्ची बौली होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? लिखने में कुछ और बोलने में कुछ और होगा ना। तो यार पहले इस पे रिएक्शन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे कि यार प्लीज, क्योंकि अगर हैदराबाद की बात करें, मतलब सबसे पहले अगर इंडिया की बात करते हैं तो भाई अगर हैदराबाद की बात ना की जाए तो मजा नहीं आता, क्योंकि यार द सिटी ऑफ पल्स बोलते हैं इसे। ठीक है, मतलब एक आप कह सकते हैं कि पल्स की सिटी है। खाने पीने के लिहाज से हैदराबाद बहुत आगे है, रहने सहने के लिए, और डेफिनेटली चार मीनार हैदराबाद के बहुत फेमस है। हैदराबाद के फूड्स, हैदराबाद की फूड स्ट्रीट, हैदराबाद का एक जो अभी रिसेंटली एक मेला लगता है वहां पर एक्सपो था, आई थिंक रिसेंटली हमने जिसपे एक वो किया रिएक्शन के साथ, बहुत जबरदस्त हैदराबाद पे यार एक वो एक भाई ने किया था। सो व्यूअर्स पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बाद में देखते हैं नाइट व्यू कैसा है इसका। फ्रेंड्स मिलना चैनल सब्सक्राइब जैसी बेल आइकॉन गोटी ऑल चाहिए। मिड स्पेस स्काई वॉक, यहाँ पे देखिए नीचे चक्कर आ जाते हैं। कितना ऊपर नहीं है ये? ऊपर नहीं है, मुझे तो चक्कर। कराची बेकर लिखा हुआ था। Oh my God, beautiful यार। ये ऐसे मेट्रो स्टेशन लग रहा है मुझे। Oh my God, it's just amazing, yaar. ये ब्रिज है।
मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त व्यू है यार, बहुत जबरदस्त। आज अब मुझे पता चला इतने सारे व्यूवर्स क्यों इसकी रिक्वेस्ट कर रहे थे यार, इतने सारे सजेशन कर रहे थे इसके बारे में यार, मुझे अब पता चला यार बहुत ब्यूटीफुल व्यू है यार। मतलब लुक एट दिस रोड, लुक एट दिस मेन स्पेस, दिस इज लॉन्ग 1 किलोमीटर लॉन्ग स्काई वॉक। वाओ, मतलब कि 1 किलोमीटर तक है इसका। अच्छा, आप वॉक कर सकते हैं स्काई वॉक। ओह माय गॉड, मतलब आप इस किलोमीटर 1 किलोमीटर के ऊपर आप प्यारी सी वॉक कर सकते हैं और आपको बहुत एंजॉय होगा। लाइक मुझे इस वीडियो में अब समझ आ रहा है इस तरह कि यार ये वीडियो इसलिए है। देखिए वीडियो में कुछ और होता है और रियल लाइफ में कुछ और होता है, और मे बी रियल लाइफ में यहाँ का व्यू, यहाँ की वॉक, स्काई वॉक है, मतलब आप आसमान, मतलब हवा के अंदर है भाई, मतलब उड़ते हुए आप एक वॉक कर रहे हैं, मतलब बहुत ऊंचाई पर बनाया गया है यार। गर्मियों में ठंडी ठंडी शाम में बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त, बहुत औसम है। This was amazing, यार। मतलब मेरा था भाई दिल कर रहा जाने का। देखो, सेम आपका भी ऐसे ही लग रहा होगा। ओह यार। ऊपर आने की कोई दिक्कत भी नहीं है, आप आ सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल व्यू है यार, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है भाई। यहाँ पर आप अपने हाथ में, आपके पास कॉफी हो, चाय भी चलेगी, बिल्कुल ड्रिंक भी चलेगी, मतलब चलते हुए वॉक करें आप नीचे से आप, और मेरा ख्याल है कि भाई ये आई थिंक गोल्ड के, नो ये किस चीज के, किस लीफ के, किस फ्लावर के, नहीं फ्लावर के भी नहीं है आपको माइंड को कर रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं वैसे जो, बहुत ऑसम है यार। जो हमने रिएक्शन किया था ना कि उसमें वो कार में सारा व्यू दिखा रहा था, पैदल में उस तरह की वीडियो होगी, लेकिन भाई जो स्काई वॉक मुझे अब समझ आया, मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी दी थी, नए टाइटल को देखा था तो मैं गुची बोली के ऊपर पड़ा हुआ था, लेकिन जो मिड स्पेस बनाया गया तो है, मैंने भी देखे और इतना एंजॉय किया, बहुत जबरदस्त ही वॉक है, स्काई वॉक। और यार आप देखें कि मतलब 1 किलोमीटर के अराउंड ये एक ब्रिज सा बनाया हुआ है, और ब्रिज काफी ऊंचाई पर है, और मतलब ये हैदराबाद के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है भाई। मैं यही देख रहा था कि मतलब हैदराबाद की बात करें और इस तरह के ब्रिजेस हों तो डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट है यार हैदराबाद वालों के लिए, और हैदराबाद सिटीज में जो जो रहते हैं डेफिनेटली उनके लिए, इंडिया वालों के लिए, और हम जैसे बेचारों के लिए जो दूर से देखकर एंजॉय कर सकते हैं इस तरह के। लेकिन यार मैं एक और बात कहने जा रहा था कि बहुत सारे लोग देख रहे थे कि इधर ब्रिज में मजा आ रहा है, लेकिन यार देखो वीडियो में और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर हम रियल लाइफ में वहां जाकर एंजॉय करें ना तो हमें बहुत मजा आया, क्योंकि हम वीडियो में जो देख रहे हैं ना महसूस कर सकते हैं। आप देखें कि फ्रेश एयर एक तो ठीक है इतनी ऊंचाई पर, फिर राइट आप नाइट व्यूज आप देख सकते हैं, मतलब आपकी टेंशन है या कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप वहां जाकर सॉल्व कर सकते हैं, और डेफिनेटली लवर्स के लिए तो मैं कहता हूँ बेस्ट वे है, चलते रहे और बातें करते रहे, कॉफी भी हो दूसरे हाथ में, डेरी डेरी मिल्क हो, चॉकलेट हो, कैडबरी की, और बस इंजॉयमेंट। मुझे लगता है फ्यूचर में लेके जाना चाह रहे हैं मुझे वहाँ। हाँ जी मे बी आप हो या तो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी ने कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन तो बिल्कुल खाली रहता है, भर दे प्यार से, भर दे मोहब्बत से, भर दे अपने चाहत से, भर दे अपने गुस्से से, भर दे अपने प्यार से। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, बहुत खड़े हम दोनों को दीजिए जैसे विदास।